आरजेडी रो मुसलमान नेता कहिले भारत रहिबा योग्य नुहे। बीजेपी नेता देले कड़ा जवाब, कहिले नेता जनक हेउछंती मद्रासा छाप नेता। पाकिस्तान जदि भल परिवेश अछि तेबे जाऊ न पाकिस्तान। लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल रो जणे नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी पुणि थरे विवादीय वक्तव्य देछंती। से कहिछंती जे देशरे एबे स्थिति भल नाही, भारत एबे आउ रहिबा योग्य होइ रहि नाही। एही वक्तव्य सोशल मीडिया रे वायरल हेबा परे सिद्दीकी काठो गोडा को आसी जाइछंती। तांकर एही वक्तव्य को सबु आडू विरोध हेउथिबा देखिबा पय मिलुछि। मैं एक अंतिम में आखिरी में एक शेयर करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहां। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन अपनी मातृभूमि को छोड़। ए वीडियो रे सिद्दीकी कहउछंती जे मोर गोटिए पुओ एवं गोटिए झियो अछंती। पुओ वर्तमान हावार्ड रे पढ़ुची, झियो लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रे पास आउट होई सारी। देशर स्थिति को देखी मु मोर पुओ झियो को कहली जे तुमे सेठारे चाकरी करो और जदि सेठाकर नागरिकत्व तो मिली जाए तबे सही देशर नागरिक हो जाओ। एबे भारतर सही भली स्थिति ओ परिवेश नाही, मते जणा नाही तुमे एही परिस्थितिर सामना करि पारिबो ना नाही। आपण बुझी पारुथिबे जणे व्यक्ति निजर पिला मानंकु निज देश छाड़िबा को कहुथुआ बेले केते कष्ट होतुबो। अब्दुल बारी सिद्दीकी को एही विवादीय वक्तव्य सोशल मीडिया रे वायरल हेबा परे भारतीय जनता पार्टी तांकर एही वक्तव्य को नै आक्रमण करिछि। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान निंदनीय है और निश्चित तौर पर यह आरजेडी की विचारधारा को परिलक्षित करता है। यह दिखाता है कि आरजेडी किस तरीके की राजनीति करना चाहती है। देश में धार्मिक तुष्टिकरण की नीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति, यह आरजेडी की राजनीति है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद को लिबरल और खुद को सेकुलर पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन उनका बयान निश्चित तौर पर राष्ट्र विरोधी, इस देश की भावना के खिलाफ है और कहीं ना कहीं वो हिंदू विरोधी बयान भी दे रहे हैं। जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं उसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को इस देश में अगर इतनी ही तकलीफ, इतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो जो सुविधाएं उनको मिल रही है देश के नागरिक के तौर पर, जो प्रिविलेज एंजॉय किया है नेता के तौर पर, उसको छोड़ दें और सब परिवार पाकिस्तान चले जाएं, उनको कोई रोकेगा नहीं। बीजेपी नेता निखिल आनंद कहिछंती यदि सिद्दीकी को भारत रे कष्ट होछि तबे एठारे तांकु मिलुतबा समस्त सुविधा को छाड़ी तांको परिवार सह पाकिस्तान चली जाऊ नहंती काहेकि तांकु केही रोकिबेनी। से आउ एक वीडियो जारी करी कहिछंती जे आरजेडी नेता सिद्दीकी को एही वक्तव्य अत्यंत निंदनीय। एमाने मद्रासा संस्कृति रु वर्तमान जाए बाहरी पारि नहंती। एमाने सेकुलरिज्म एवं लिबरालिज्म रो मुखारे राष्ट्र विरोधी रिलीजियस एजेंडा चलाइछंती। से आहुरी कहिछंती जे सिद्दीकी को एही वक्तव्य आरजेडी रो विचारधारा को परिलक्षित करुछि। आरजेडी रो मुस्लिम तुष्टिकरण एवं मुसलमान राजनीति अनुसार सिद्दीकी हिंदू विरोधी वक्तव्य देउछंती बोली से कहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।